गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं अभी आई हूँ नर्सरी में. मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह लेने हैं क्योंकि घर पे लैंडस्केपिंग करने आ रहे हैं वो लोग दोपहर में. तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको. ये नर्सरी बहुत ही बड़ी है तो देखते हैं मुझे कितने घंटे लगते हैं सब कुछ लेने में और अगर मैं ले पा रही हूँ कि नहीं. क्योंकि कभी होता है ना कि कितनी इतनी सारी वैरायटी है आपके पास तो कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन से ले कौन से ना ले. और हमारा घर जो है वो ईस्ट वेस्ट है तो पूरा दिन घर के पास सन रहता है तो सन के हिसाब से वो भी मुझे देखना पड़ता है कि कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उसको 6 घंटे का ही सन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. तो बहुत ही कुछ ध्यान में रखना पड़ता है. तो लेट्स गो, आई विल शो यू गाइस एवरीथिंग एंड लेट्स सी क्या होता है. जैसे आप देख रहे हो ये बहुत ही बड़ी नर्सरी है और जितना उन लोगों का यहाँ आगे है उतना ही अंदर भी है और पीछे भी है. तो मैं दिखाती हूँ आपको. तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो फ्लावर्स वगैरह उसने लगा दिए, नया मल्च भी उसने डाल दिया है. तो बस अभी अभी वो लोग गए और मैं आपको बाद में डिटेल में सब कुछ दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे पोर्च भी क्लीन करना है और थोड़ी चीज़ें नई जो है वो भी मुझे लगानी है. तो ये जो फ्लावर्स है वो मैं नर्सरी से लेके आई अभी क्योंकि मुझे एक्चुअली सब कुछ करने में 3 घंटे लग गए और अभी बहुत ही धूप भी है बाहर. तो वो लोग आ रहे थे तो फटाफट मैं लेके आ गई पर काफ़ी टाइम लगा मुझे ये सब कुछ सिलेक्ट करने में. कलर कॉम्बिनेशन मैं देख रही थी तो ये मेरा यार्ड अब जो है वो कम्प्लीट हो गया है. और ये आ गए हम लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट में क्योंकि घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो हमने सोचा जाके ट्राई करते देखते खाना कैसा है. और वैसे भी आज मेरा पूरा दिन यार्ड में गया है
तो मैं भी बहुत ही थकी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते, तो बस यहाँ आए हम लोग। खाना तो बहुत ही अच्छा है और बस यहाँ पे मेरा फ्राइडे नाइट ख़त्म होता है। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। Hey guys, आज है सैटरडे मॉर्निंग और मैं अभी वॉक करने के लिए निकली हूँ क्योंकि बारिश आज दोपहर में होने वाली है, तो मैंने सोचा जल्दी जाके ख़त्म कर लेती हूँ मेरा वॉक। पर बहुत ही अच्छा वेदर है अभी, गर्मी जरा भी नहीं है और इतना काम, इतना पीसफुल लग रहा है ना यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली हमारा कम्युनिटी पार्क है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग का भी है, तो अगर यू नो उन लोगों के पास हॉर्स है यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी है, तो उन लोगों की गेम्स वगैरह भी यहाँ पे रहती है। तो ये वो है और ये पूरा कम्युनिटी पार्क है, तो यहाँ पे सॉकर गेम्स, बास्केटबॉल गेम्स, वो सब कुछ यहाँ पे रहता है हर वीकेंड्स में। तो जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे सॉकर है, तो ये बहुत ही बड़ा पार्क है। ऑल्सो छोटा सा एक यू नो बच्चों के खेलने के लिए भी पीछे पार्क है, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो वो भी वहाँ पे आके खेल सकते हैं। और जैसे वहाँ पे आप टेंट दिख रहा है पीछे आपको येलो कलर का, तो वहाँ पे अगर किसी की बर्थडे पार्टी है कुछ भी है तो वो भी कर सकते हो। ये पार्क वैसे बहुत ही बड़ा है, काफ़ी सारी जगह है, पीछे लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी भी जाके यू नो अगर यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पूरा ग्रीन है और बहुत ही पीसफुल रहता है यहाँ पे भी। तो वॉक करना है, जस्ट आके थोड़ी देर बैठना भी है तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सब वीड्स उगे हुए है, ये साइड में है रोड की। और ये फ्लावर देखो कितना प्यारा सा है, उसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा है। सो यू नो जैसे वॉक करने आते हैं ना, तो ऐसे नेचर में ऐसी सारी चीज़ें कभी कभी देखने मिलती है ना, इट मेक्स यू वंडर कि यहाँ पे कौन उसको आके लगाया होगा। कुछ नहीं है राइट, ऐसे ही अपने आप हुआ होगा यहाँ पे। पर कितना प्यारा सा लग रहा है, जैसे आप देख रहे हो कुछ नहीं है, पीछे वो क्रीक है, ये रोड है, ये सब वीड्स उगे हुए हैं और उसमें से ये बस प्यारा सा फ्लावर। और यहाँ पे मैं एक्चुअली पानी से पूरा पोर्च क्लीन कर रही हूँ, तो डस्ट वगैरह जो भी है वो सब कुछ निकल जाएगा। तो ये पूरा पोर्च क्लीन करने के बाद ऐसा दिख रहा है। जस्ट लेट मी नो गाइस कि ये जो मैंने यहाँ पे ये सन लगाया है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि हाँ आई एम नॉट श्योर कि इसको मुझे रखना चाहिए यहाँ पे कि नहीं। पर यहाँ साइड में कॉर्नर में मैंने एक प्लांट रखा और ऑफकोर्स ये कुशन वगैरह अभी मुझे क्लीन करने हैं तो वो निकाल दिए मैंने। और ये सन भी मैंने आपको अगर याद हो तो बहुत टाइम पहले मैंने रास में से लिया था, तो वो वहाँ पे मैंने लगाया है। और यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर दिया और ये फाउंटेन भी मैंने चालू कर दिया है, तो अभी इतना पीसफुल लग रहा है ना यहाँ पे कि बर्ड्स वगैरह आते रहते हैं और सुबह सुबह में यहाँ बैठ के चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और फाइनली मेरा यार्ड भी ख़त्म हो गया, वो भी सब कुछ क्लीन हो गया मेरा। और ये फ्लावर्स वगैरह कल वो लेंस के पिंग वाले जो है वो आए थे, उन लोगों ने मुझे लगवा दिए। तो एक जो पॉट बज रहा था कि ये जो फ्लावर्स थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे उसको लगाऊँ, क्योंकि यू नो यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ, क्योंकि ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना उन लोगों ने बोला कि वो बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं और अगर मैं बहुत ही नज़दीक एक दूसरे के लगाऊँगी तो बहुत ही क्राउडेड हो जाएगा, तो बोले कि नहीं ऐसा मत करो। तो ऐसे ही मुझे उसने वो ऐसे लगवा दिए ऐसे चार। तो ये जो पॉट था वो बच रहा था, पता नहीं चल रहा था, मैंने बोला ठीक है चलो मैं कहीं और लगा दूँगी।
बट देन ऑफ कोर्स यू नो इसके पीछे ये बास्केट जैसा है तो मैंने सोचा वहीं पे मैं रख देती हूँ। ये बहुत ही क्यूट है और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले होम गुड से लिया था। तो ये मेरा फ्रंट यार्ड है ना, वो पूरा बस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बर्ड्स, बनी, स्वीट स्क्विरल, ये सब कुछ रखने के लिए, क्योंकि उससे बहुत ही लाइवली लगता है कि ठीक है फ्लावर्स वगैरह है, उससे कलर्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर जब ये बनी बर्ड वगैरह है ना तो उससे बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये वाला जो बर्ड है ना उसका फेस मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो तो बहुत ही चबी है उसका फेस, तो इतना क्यूट सा लगता है ना वो। और ये वाला मैंने ये छोटा सा बनी यहाँ पे रखा हुआ है। सो ऐसा दिखता है घर यहाँ से। और मैं जल्दी, बहुत ही जल्दी हाउस टूर करूँगी कि घर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगी कि मेरा घर कैसा मैंने यू नो डेकोरेट किया, जो भी थोड़ा सा किया है मैं सब कुछ दिखाऊँगी आपको। पर ये सन मुझे पता नहीं, जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत ही पसंद आ गया था, तो वो अच्छा लगता है। आई गेस थोड़ा सा टेढ़ा है, लाइक सीधा नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, मैंने बहुत ट्राई किया उसको, पर ठीक है यू नो आई गेस उसको मैं रहने ही दूंगी क्योंकि अच्छा लगता है वो। और ये साइड का उसने सब कुछ वीड्स वगैरह थे वो बहुत ही उसने क्लीन कर दिया, क्योंकि पता नहीं कितना भी ध्यान रखो ना वीड्स तो आ ही जाता है और बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है वो। पर ठीक है, वो यू नो बड़ा सा यार्ड है तो वो तो करना ही पड़ता है। और ये वाला मेरा ये फ्रॉक भी मैंने वहीं से होम गुड से ही लिया था। मैं अपना एक्चुअली लंच लेके बैठी हूँ, क्योंकि जैसे यू नो सुबह में भी मैंने बताया था वेदर यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और ये मेरा पोर्च वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, तो मैंने सोचा बस यहीं बैठ के मैं अपना लंच करती हूँ अभी, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे के लिए मैंने बनाया था आलू पोहा तो उन लोगों ने खा लिया। और यहाँ पर मैंने बनाया है किनवा और मैं सर्व करी हूँ उसको लेटस लीव्स में, और इसमें किनवा में थोड़े से मिक्स वेजिटेबल्स उसमें डाले हैं, और ये जो ग्रीन दिख रहा है वो बेसिकली सराचा सॉस है, तो थोड़ा तीखा करने के लिए मैंने ऊपर से वो डाला है। और यहाँ पे मेरे पास ये पानी है, ये पानी एक्चुअली है अजवाइन और जीरा का, तो दोनों को मिक्स करके मैंने थोड़ी देर उसको उबाल दिया और जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो गया। और इसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा डाला है लेमन जूस, तो बस ये मैं एक्चुअली पी रही हूँ और ये मेरा लंच है आज का। तो बस दैट्स इट, अभी लाइक आई से वेदर बहुत ही अच्छा है और यू नो स्पेशली मल्च वगैरह नया डाला होता है ना तो उसकी स्मेल्स भी बहुत अच्छी आती है, और जैसे आपको सुनाई देता है ये फाउंटेन का जो यू नो ये पानी का जो आवाज़ आता है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो अभी बस यहाँ पे होगा मेरा लंच अभी। सो आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ डोसा, इडली, सांभर और चटनी। और आज सबको खाने पेपर डोसा, तो मैंने स्टफिंग नहीं बनाई है, तो बस ये डोसा मेरे तैयार हो गए। ऑल्सो पहले से मैंने इडली बना के रखी हुई है, तो इडली भी तैयार है, डोसा भी हो गया तैयार। तो बस अब ये सैटरडे डिनर मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे है मेरी इडलीज और ये चटनी जो मैंने बनाई है टमाटर और कोकोनट की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे मॉर्निंग और मैं अभी आई हूँ होल फूड मार्केट में, और ये हमारे घर से काफ़ी दूर है तो इतना मेरा आना होता नहीं है, और मैं यहाँ पे एक्चुअली आई हूँ ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद। और यू गाइस विल लाफ ऑन मी, बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे इसलिए आना था क्योंकि मैंने सुना कि ये लोग वीकेंड में इंडियन ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं लाइक डोसा, इडली वगैरह, तो मुझे वो ट्राई करना था। तो मैंने अपने बच्चों को, हस्बैंड को 2-3 वीक से मैं बोल रही थी कि चलो चलते ट्राई करते करके,
पर कोई तैयारी नहीं हो रहा था कि बोले कि नहीं हमको नहीं आना है. और इट्स काइंड ऑफ सिली, यस डोसा इडली कितनी बार खाया है, पर वो चार्म रहता है ना कि अमेरिकन स्टोर है, वहां पे आपका ब्रेकफास्ट मिल रहा है. तो बस मैं वहीं जा रही हूँ. और मैंने सुना था कि लाइक 10-11 बजे तक उन लोगों का ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है. तो आज भी मेरा कोई प्लान नहीं था आने का. मैंने बोल सोचा ठीक है चलो मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगी करके, बट देन आई वाज लाइक नहीं, ये आज तो कुछ कुछ भी हो जाए मुझे बस जाना ही है. तो मैंने आते वक्त उन लोगों को फोन किया कि ब्रेकफास्ट आपका कितने बजे तक होता है, तो वो बोली कि हमारा तो 1 बजे तक रहता है. पर फिर भी एक बार घर से निकल गई थी फटाफट, ना ही मैंने मेकअप किया है ना ही कुछ है, बस ऐसे ही कपड़े शावर लेके चेंज करके मैं फटाफट निकल गई हूँ. तो लेट्स गो इन देयर एंड सी कि उन लोगों के पास क्या है और मैं क्या खरीदती हूँ आज. यहाँ पे मेरा डोसा बन के आ गया है और उनको मैंने बोला कि मुझे स्पाइसी बना दो, तो स्पाइसी बनाया है और उसके साथ है इडली, मेंदू वड़ा, चाय, स्पाइसी चटनी और सांभर भी है. और यहाँ पे इन लोगों का ये जो सैलड बार्स और ये सब कुछ बना हुआ है वो भी बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है. ऑफ कोर्स काफ़ी सारा जो है उसमें मीट वगैरह है तो वो तो मैं नहीं खा सकती, पर जैसे ये पास्ता है ये बेसिकली वाइट सॉस में बना हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों के पास बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे. तो पहले आई गेस मैं ये जाके मेरा डोसा ख़त्म करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि कैसा है. ये टोफू है वो भी, ये भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये वीगन है. It is so yummy, guys. फ्रेश जूस भी है तो मैं वही देख रही थी कि कौन सा अच्छा वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी उन लोगों के पास फ्लेवर्स वगैरह है. और जो इंटरेस्टिंग मुझे वो लगा वो बेसिकली ये छोटे वाले जो है ये रॉ शॉट बेसिकली उसमें है जिंजर जूस है, ग्रीन जूस है, वीट ग्रास जूस है, तो ये वीट वाला है, ये वाइटालिटी का है, ये विटामिन सी का है. तो और ये चारकोल है, चारकोल पता नहीं वो कैसा होगा, मुझे वो आई एम इंटरेस्टेड बट मुझे वो ट्राई नहीं करना है क्योंकि डोंट नो कि वो कैसा होगा. और ये सारी जूस भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, रास्पबेरी मिंट
Velita juice. Really? ये मशीन भी है तो अपने आप अगर आपको ऑरेंज जूस निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सारे सोप है और उसकी कलर ही इतनी प्यारे है ना, वो देखते ही उसको लेने का मन हो जाता है. ये सारा मेकअप का है उन लोगों के पास. तो मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है जो यहाँ पे मिलती है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं यूजुअली कोई ड्रग स्टोर अल्टा वगैरह में जाती हूँ. तो यहाँ की ब्रांड्स ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छी रहती है. और बाय द वे गाइस, ये एक्चुअली हमारी मुल्ता की मिट्टी होती है ना, वो है. और मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाया था, मुझे पता नहीं था यहाँ पे मिलता है ये. पर बेसिकली अगर आपका फेस बहुत ही क्लॉग हो गया है, सब कुछ है यू नो, तो उसमें थोड़ा सा ये लेके आप एप्पल साइडर विनेगर मिला दो और मिक्स करके उसका मास्क बना के आप अपने फेस पे 10-15 मिनट तक लगा दो, तो उससे आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्लियर हो जाती है. तो अगर आपके नज़दीक यू नो ये होल फूड मार्केट है तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा. अदरवाइज़ ऑफ कोर्स अमेज़ोन से तो मिलता ही है. But this is really good. So that's it friends. यहाँ से मेरा शॉपिंग खत्म हो गया है. अब मैं जा रही हूँ घर पे. तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है. कुछ खास सामान नहीं लिया, बस ऐसे ही मैं आई थी स्पेशली इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए. तो ब्रेकफास्ट उन लोगों का ये डोसा सांभर बहुत ही अच्छा था. एंड यू नो जो बना रहे थे वो भी इंडियन ही थे, तो ऑफकोर्स उनको अपना टेस्ट मालूम होता है. तो पूरा इंडियन टेस्ट था, ऐसा नहीं था कि अमेरिकन आप कुछ स्टोर में खा रहे हो करके. तो काफ़ी सारी उन लोगों के पास वैरायटी थी, बहुत ही अच्छा स्टोर है ये. और ऑफकोर्स अब लंच टाइम होने वाला है तो काफ़ी बिजी भी हो गया, तो मैंने सोचा मैं उससे पहले फटाफट घर निकलती हूँ. अब तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया. मैं ये अभी होल फूड मार्केट में से लेके आई हूँ. ये MCT ऑयल है, ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. तो एक ये है, ये मैंगो लेमनेड, मिंट लेमनेड, छोटा सा पाइनएप्पल मुझे मिल गया तो दिखने में भी बहुत ही क्यूट सा दिख रहा था और मैंने सोचा ये ले लूँ. और ये काउ मिल्क है, ग्लास की बॉटल है, तो आवाज़ है कि ये ट्राई करती हूँ मैं. तो ये एक लिया पाइनएप्पल ऑरेंज बनाना का जूस, और ये फ्रेशली जूस थे वहाँ पे, तो ये मैंने ट्राई करने के लिए लिए. ये गार्लिक ब्रेड है. सो ये जो ओटमील है इसका भी मैंने काफ़ी सुना था कि ये बहुत ही अच्छे आते हैं, तो ये ट्राई करने के लिए मैंने लिए.